2-2.5 लाख रुपए का मेरे पास माल पड़ा है। ये बड़ी मुश्किल से मिली है, परेशानी बहुत है इस टाइम। अब क्या बोले, सरकार के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता मैडम। दुकानें बंद हो गई थी, बहुत ज़्यादा खाने पर आफत आ गई थी, रोजगार पर तो पूरी असर पड़ रही है एकदम। बहुत असर पड़ेगा, हमारी रोजी रोटी मर जाएगी। इस सरकार को सोचना चाहिए हमारे दुकानों के बारे में। 5 बजे तक, 5 बजे के बाद काम चलेगी नहीं, रोजगार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अब लोगों में अवेयरनेस अभी बहुत कम है, बाजार में भीड़ बहुत ज़्यादा है, प्रशासन का बिल्कुल सहयोग नहीं है, बिल्कुल 1% भी सहयोग नहीं है, पूरा बाजार रेडियो से भरा हुआ है। रेडी काम पे कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं ना, उस पर सरकार को थोड़ी सी एक्शन स्थिति बनानी चाहिए। मैडम सरकार के आगे कौन बोले, उन्होंने तो आदेश दे दिया, हम लोग उनकी मानेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो डंडे खाएंगे, क्या फायदा फिर। मैडम मैं तो ये रिंग लगाता हूँ, पिछले 15 तारीख से मेरी बनती मार्केट की दुकान जहाँ मैं लगाता था पहले, आज ये मेरे को मिली है एक दिन के लिए, बड़ी मुश्किल के लिए, क्योंकि मेरे पे माल पड़ा है, मेरे को निकालना है, कम से मेरे पे 2-2.5 लाख रुपए का मेरे पास माल पड़ा है। ये बड़ी मुश्किल से मिली है, परेशानी बहुत है इस टाइम। अब क्या बोले, सरकार के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता मैडम जी। मैडम सरकार के आगे कौन बोले, उन्होंने तो आदेश दे दिया, हम लोग उनकी मानेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो डंडे खाएंगे, क्या फ़ायदा फिर। रोटी मिले ना मिले, उनके डंडे तो जरूर मिलेंगे, क्या कर सकते हैं बताइए मैम। हाँ जी मैम, परिवार में तो 5-6 लोग हैं, मैं ही घर चलाने वाला हूँ, और मेरे साथ तो एक ऐसी प्रॉब्लम है, तो सोशल मीडिया में बताऊंगा भी नहीं वो वाली प्रॉब्लम। मेरी स्वेटर की दुकान है। आपको पता है सरकार ने आदेश दिया है कि शाम 5 बजे तक की दुकानें खुलेंगी, कितना रोजगार का असर। बहुत असर पड़ेगा, हमारी रोजी रोटी मर जाएगी। इस सरकार को सोचना चाहिए हमारे दुकानों के बारे में। 5 बजे तक, 5 बजे के बाद काम चलेगी नहीं, रोजगार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हमारी तो दुकानें बंद हो गई थी, बहुत ज़्यादा खाने पर आफत आ गई थी, रोजगार पर तो पूरी असर पड़ रही है एकदम। अब ये तो सरकार पर निर्भर है, वो तो सरकार जैसी चाहेंगे वैसे ही। हमारे यहाँ ठेहे हटा दिए हैं सरकार ने, हमें ठेहे भी नहीं दिए हैं, ऊपर से लॉकडाउन लगा रहे हैं, हम कहाँ के रहेंगे फिर। हमारे घर में मैं अकेला कमाता हूँ, खाने वाले 6 हैं। विशाल जी, दुकानें बंद करने के आदेश दिए हैं सरकार ने शाम के 5 बजे के बाद, क्या कहेंगे, कितना असर पड़ेगा इससे। काम पे कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं ना, उस पर सरकार को थोड़ी सी एक्शन स्थिति बनानी चाहिए। जो मार्केट में एक्शन स्थिति मार्केट के अंदर बिल्कुल भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, ना मास्क के चलान हो रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, कोई एक्शन गवर्नमेंट नहीं ले रही है। अगर ये दुकानदार खुद मास्क बांट रहे हैं पब्लिक को, तो ये सरकार की तरफ से कोई नीति नहीं बन रही, और टाइम को लेके कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है कि अगर 5 बजे की जगह 6 बजे भी हो जाएगा तो अच्छा ही होगा, बुरा। सुबह बस आधा घंटा एक बार पुलिस ने राउंड लगाया था, बस उसके बाद कोई एक्शन मार्केट में नहीं है। मेरी गारमेंट्स की दुकान है, और मतलब कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन की वजह से थोड़ा सा बाज़ार में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है सरकार के द्वारा कि 5 बजे तक बाज़ार खुलेंगे। अब लोगों में अवेयरनेस अभी बहुत कम है, बाज़ार में भीड़ बहुत ज़्यादा है, प्रशासन का बिल्कुल सहयोग नहीं है, बिल्कुल 1% भी सहयोग नहीं है, पूरा बाज़ार रेडियो से भरा हुआ है, रेडी खमंचे आपको कहूँगा, दूर का दिखाएंगे ना तो दूर तक कुछ भी नहीं दिखेगा, भीड़ ही भीड़ खाली। तो हम लोग तो व्यापारी एकता मंच के माध्यम से हम लोग मास्क बांट रहे हैं बाज़ार में कि कोई भी बिना मास्क के मार्केट में ना घूमे। आप सभी से यही प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से कि सभी पब्लिक सचेत रहे। कह रहे हैं कि बहुत सारी रेहड़ियाँ अभी भी लगी हुई है, यानी कि जो नगर निगम कमिश्नर ने अतिक्रमण मुक्त फरीदाबाद अभियान चलाया था वो सफल नहीं हो पाया। नहीं मैम, मैं नगर निगम के जो कमिश्नर साहब हैं उनकी तो तारीफ ही करूँगा, उन्होंने जो काम किया है बहुत अच्छा काम है, आज से 20 साल पहले भी कोई नहीं कर पाया। लेकिन आप इधर दिखाएंगे ना, देखो दुकानदारों ने अपने फर्ज तोड़ रखे, सब दुकानदार दुकान के अंदर हैं, लेकिन देखा जाए तो ये देखो, ये कम से कम ऐसी 200-300 रेहड़ियाँ वैध है, मतलब जाम लगेगा बाजार में, ट्रैफिक ज़्यादा होगा, कल को कार्रवाई होगी तो दुकानदारों के ऊपर होगी, रेहड़ी वाले तो रेहड़ी गली से निकाल के कहीं और ले जाएंगे, फंसेगा दुकानदार। अब जिस दुकान के आगे रेहड़ी खड़ी है वो कहते हैं कि चलान उस दुकानदार का कटेगा, उस दुकानदार की क्या गलती बताओ, रेहड़ी वाले मानते नहीं है, गिनती की 10 रेहड़ी और समझ आती है, 300 से ज़्यादा रेहड़ी बाजार में,
इतनी भीड़ दुकानदारी नहीं है, रेड़ी ही रेड़ी भरी पड़ी है, रेड़ी रेड़ी। हम देखो रोजगार पर तो असर पड़ेगा, लेकिन देखो जान है तो जहान है, हम लोग प्रशासन के साथ हैं, जैसा प्रशासन आदेश करेंगे हम वैसे ही करेंगे। बात और कहना चाहूँगा कि समय को थोड़ा सा सुबह को थोड़ा सा बढ़ा के शाम को थोड़ा सा और लेट का कर दिया जाए, जैसे 11 से लेकर 7 बजे तक समय कर दिया जाएगा तो मार्केट में मतलब 11 बजे के बाद ही कस्टमर की एंट्री होती है, और सर्दी का समय है, 7 बजे जैसे अंधेरा सा हो जाता है तो कस्टमर कम हो जाते हैं बाजार से। बाकी जो भी ये लॉकडाउन लगा है हम प्रशासन के साथ हैं। कालू चौधरी, कालू जी अभी देखिए सरकार ने ये बोला है कि 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी और पुलिस जगह जगह मार्केटों में घूमेगी, क्या यहाँ NIT 1 के मार्केट में पुलिस घूम रही है लोगों को? अभी तक तो प्रशासन कोई देखा नहीं, हमने किसी ने हमें सूचित किया हो, बाकी सरकार की तरफ से जो मैसेज है हम उसका पालन करेंगे। बाकी ये गलत है, अभी व्यापारी अभी पहले लॉकडाउन से नहीं उभरा और अभी द्वारा लगा दिया गया, ठीक नहीं है ये, थोड़ा टाइम टेबल बढ़ाना चाहिए। आप लोगों के रोजगार पर कितना असर? बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि दुकानदारी जो है शाम की होती है, 5 बजे के बाद ही स्टार्ट होती है, तो सरकार को ये टाइम सुबह का कट करके थोड़ा 11 बजे से शाम 9 बजे तक 8 बजे तक करना चाहिए, ताकि व्यापारी थोड़ा अपना रोजगार ढंग से चला सके। बाकी व्यापारी एकता मंच की तरफ से हम सरकार से अपील करते हैं कि थोड़ा व्यापारी के लिए सोचा जाए। उनमें ये कस्टमर को थोड़ा अगर ज़्यादा होने पर बाहर रोक देते हैं, उनको वेट कराते हैं, अगर उन पर टाइम है तो रुक जाता, नहीं चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ओवरलोड दुकान नहीं कर रहे और बिना मास्क के हम ग्राहक को सामान नहीं दिखाते, सैनिटाइजर हमने रखा हुआ है, जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस है उसका पालन कर रहे हैं। गुलशन भाटिया जी, किस चीज़ की दुकान है? मोबाइल शॉप है। मतलब ऐसा है कि अभी इतना तो कारोबार अब थोड़ा सा तो रास्ते पे आया, कुछ कारोबार चलने लगा है, तो अब ये हालत हो गई कि जी अब 5 बजे जगह ऐसे अचानक से कहते 5 बजे, तो थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम देना चाहिए कि किस डेट से होगा। अभी तो पब्लिक को पता नहीं, आप मार्केट में देख लो कितनी रश चल रही है, तो 5 बजे कैसे दुकानें बंद हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी, यहाँ पर इस मार्केट में तो नहीं हो सकती। बाकी जैसे सरकार कहेगी वैसे तो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा प्रशासन की बात से। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।